Hello and welcome to Crack Defense Exam channel. In this video, I will tell you how to crack CDS written exam in one go. Friends, अगर आप इसी साल ग्रेजुएट हुए हैं और आपका सपना है डिफेंस ज्वाइन करने का तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप रिटन एग्जाम को एक ही बार में क्लियर कर सकते हैं और अपने सपने के एक कदम पास आ सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक थम्स अप बट लाइक देना ना भूलें। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो होती है उसका सिलेबस। जैसे हमको कहीं पे भी जाना होता है तो हम वहां का रोड मैप देखते हैं, सेम वे द सिलेबस कि सिलेबस में क्या लिखा है। जो एग्जामिनर जो कंडक्ट करा रहा है, यूपीएससी अगर कंडक्ट करा रही है सिलेबस, सॉरी सीडीएस, तो यूपीएससी ने उस सिलेबस में क्या मेंशन करा है कि एग्जाम में क्या आने वाला है, ओटीए में इंग्लिश पोर्शन में या जीके पोर्शन में क्या आता है, क्या पूछा जाता है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन मार्केट में इतना सारा मटीरियल अवेलेबल है कि हम डायरेक्ट मटीरियल पे जाते हैं, हम कभी सिलेबस से गो थ्रू ही नहीं करते कि सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, जो कि हमारी मिस्टेक होती है। तो हमको सिलेबस में जरूर देखना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर ने, जिन्होंने यूपीएससी वालों ने सिलेबस ऐसे ही नहीं बनाया होगा, तो हमको सिलेबस जरूर देखना चाहिए। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू कि सिलेबस में क्या है और सिलेबस क्यों बनाया जाता है, कि हमें सिलेबस में कौन सी चीजें पकड़नी चाहिए, क्यों जरूरत क्या है सिलेबस बनाने की। ओके, सेकेंड स्टेप जो एग्जाम क्लियर करने के लिए होता है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स। जब हमने सिलेबस पढ़ लिया, अब सिलेबस को माइंड में रखते हुए हमें एग्जामिनर के माइंड को पढ़ना है कि अगर उसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चेक करने हैं हमें कि सिलेबस में जो चीजें बातें बोली गई हैं क्या वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आई भी हैं या नहीं। अगर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आई है इसका मतलब सिलेबस वैलिड है, सिलेबस में कुछ बात है, सिलेबस देखना चाहिए। और अगर सिलेबस में कही हुई बातें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कभी नहीं आई हैं, आई ही नहीं है आज तक, तो आपको सिलेबस नहीं देखना चाहिए। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आप ये पाओगे कि सिलेबस से लिखी हुई मेंशन ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आता है। इसका मतलब सिलेबस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में एग्जामिनर का माइंड जानने की कोशिश करो कि वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन से टॉपिक्स ज्यादा कवर करते हैं, करंट अफेयर्स कितना कवर होता है, ट्रिकी क्वेश्चन दे रहा है या क्वेश्चन घुमा के दे रहा है या डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड एनालाइज What type of questions examiner asked, okay? तो previous year question papers भी बहुत ज्यादा important होता है। Third step जो important होता है वो होता है basic books। Guys, मेरा ये advice रहेगी कि basic books पे आप तभी आओ जब आप syllabus और previous year question papers से अच्छी तरीके से go through हो जाओ। The reason behind this is कि जो आप बेसिक बुक्स पढ़ो ना, अगर आप पूरी बुक्स पढ़ने बैठोगे तो आप कभी select नहीं हो पाओगे, पूरी बुक पढ़ के कोई select नहीं होता है। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अपने माइंड में रख के देखो कि बुक्स में से आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक है, उन्हीं टॉपिक्स को कवर करना, उन टॉपिक्स को आप थोड़ा और डीपली कवर कर सकते हो और एक्स्ट्रा कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। माना आजकल करंट अफेयर्स में कोई टॉपिक है जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ठीक है, बहुत चला है पिछले 6-7 महीनों में, वो पहले कभी नहीं पूछा गया, लेकिन अगर वो करंट अफेयर्स में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आजकल चल रहा है तो आपको अपने बेसिक बुक्स में जब से जाके भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पढ़ना चाहिए और उसका हिस्ट्री में अगर कोई ऐसे केसेस हुए हैं तो उनके बारे में भी पढ़ना चाहिए। तो जो करंट अफेयर्स में चल रहा है अगर उससे रिलेटेड कोई टॉपिक बेसिक बुक में है तो वो तो जरूर कवर करना चाहिए, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि वो टॉपिक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी मिलेगा, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर्स में माना कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ ही नहीं तो वो चीज तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में नहीं मिल सकती ना। लेकिन हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए टॉपिक्स आपको बेसिक बुक्स में से जरूर करने चाहिए, प्लस जो करंट अफेयर्स में जो न्यू टॉपिक्स चल रहे हैं वो भी आपको बेसिक बुक्स में से कवर करने चाहिए। तो इस तरीके से आपको बेसिक बुक पढ़नी चाहिए, ना कि पॉइंट टू द पॉइंट आप सब कुछ पढ़े जा रहे हैं और फिर कुछ आपको हासिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये तीन स्टेप्स हैं। उसके बाद जो लास्ट स्टेप आता है वो होता है आपका मॉक टेस्ट। जब हम मॉक टेस्ट
करते हैं तब हम ये देखते हैं कि जो हमने सिलेबस पढ़ा, जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे और जो हमने बेसिक बुक्स देखी उसमें से क्या मॉक टेस्ट में हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर भी पा रहे हैं या नहीं। मतलब हमने अगर पॉलिटी पढ़ी है तो हमने पॉलिटी रटी है या हमने पॉलिटी समझी है, ये चीजें आपको मॉक टेस्ट ही बता पाएगा और कोई नहीं बता पाएगा। अगर आपको प्रेसिडेंट और गवर्नर के फंक्शंस के बीच आपने खाली रटा है कि इम्पीचमेंट वगैरह किस पे अप्लाई होता है या आपने समझा भी है, तो ये सारी चीजें आपको मॉक टेस्ट ही बताएंगे कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ पे हैं, नेगेटिव मार्किंग आप कितने कर पा रहे हैं, जो आपके एक्यूरेसी है वो कहाँ पे है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको मॉक टेस्ट ही बताई गई। गाइस मेरी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो एक वीडियो रहेगी सिलेबस के ऊपर, जिसमें मैं आपको सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ, एफकेट और सीडीएस दोनों का सिलेबस, कि जो सिलेबस में क्या लिखा होता है। जो मेरी सेकंड वीडियो रहेगी इसके बाद वो रहेगी बुक लिस्ट, कौन सी बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि ये वीडियोज ही आपको बताएंगी कि क्या कहते हैं क्या सिलेबस रहेगा, क्या बुक लिस्ट रहेगी, और उसके बाद हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे पिछले, ठीक है। सो दैट्स इट दिस वीडियो। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरा टेलीग्राम और फेसबुक अकाउंट भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नेवर गिव अप।